विचार करते हुए अभी हम लोग कारिका नंबर 2 तक समाप्त किया। पहले यहाँ पे कारिका के लिए पहले ही बोला था कि जो चीज़ जो सीधा सीधा मूल से समझ में नहीं आता उसमें कुछ विशेष चीज़ को दिखाने के लिए कारिका प्रयोग किया गया है, तो कारिका के लिखा गया है। तो यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव करते हैं तो एक ही व्यक्ति तीन जगह में बैठ करके अलग अलग रूप में उसका अनुभव करते हैं और तीनों का अलग अलग प्रकार की भोग भी है, ऐसा वहाँ पे कहा। भगवान शंकराचार्य इसलिए बोलते मानंद को कारिका को मुख्य रूप से ही दिखाना चाहता है आप जागृत में बैठ करके कैसे सुषुप्ति का आनंद ले सकते हैं और वही जीवन मुक्त स्थिति है। जिस प्रकार मरण काल में आपका प्राण जो है अव्यक्त अवस्था में आ जाता है, समाप्त नहीं होता और वही दूसरा शरीर प्राप्त करके फिर जब मतलब व्यापार करने लगते हैं अपने अपने जो व्यापार इंद्र करने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार भी जागृत काल में बैठ करके स्थूल शरीर से अपने को धीरे धीरे अलग करो, सूक्ष्म शरीर से अलग करो, केवल मतलब प्राण वृत्ति चलता रहे परंतु उसके प्रति भी आपका ध्यान डाल है, केवल अपने अस्तित्व मात्र का ये जागृत अवस्था। केवल सुषुप्ति में और हमारा जागृत सुषुप्ति में भिन्नता, सुषुप्ति काल में उस समय अपना अस्तित्व को भी बोध नहीं रहता, मतलब जागृत माने क्या हो जाएगा अपने व्यापक अस्तित्व का बोध समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे सुषुप्ति को समझाने के लिए प्राण और अव्यक्तों को एक साथ तुलना करके बताए थे। प्राण को अव्यक्तों कैसे बोल दिया, बोलते हैं कि जिस प्रकार अव्यक्त हर चीज अभिव्यक्त होता है इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में प्राण में जाकर हर चीज लय प्राप्त करते हैं और फिर प्राण से ही अभिव्यक्त होता है। प्राण जब ध्यान रखना पंचवृत्ति आत्मा वायु को यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, प्राण से अधिष्ठा तो चेतन मतलब प्राण को चलाने वाला चेतन उनको कहा जा रहा है। हमारे हर चीज का प्रयोग चेतन के लिए होता है, शब्द प्रयोग उपाधि के साथ। तब बोलता है दृष्टांत तो दिया कि प्राण बंधन में सौम्य मन, तब शंका उठा कि यहाँ पे प्राण शब्दों के द्वारा जिसको सत शब्दों के द्वारा पहले कह करके आया था उसी को कहना चाहते हैं, बोलता बिल्कुल सही। तो सत्य होते तो निर्विशेष ब्रह्मों का ज्ञान से मुक्त होता है, सविशेष का ज्ञान से तो मुक्त नहीं होता। बोलता निर्विशेष के लिए शब्द प्रयोग नहीं होता, सविशेष के लिए शब्द प्रयोग होता है परंतु उसके द्वारा निर्विशेष लक्षित होता है। ऐक्य जो तत्व महाभारत को मुझे ऐक्य दिखा वो जो अनिमा सूक्ष्म अंशों में उसमें एकत्र दिखाते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। और जहाँ पे हमारा एक बीज कुछ रहता है जो बीज ये ज्ञान के द्वारा दायी होता है वो है अज्ञानात्मक बीज और वो बीज से ही सृष्टि भी होती है, वो बीज सृष्टि के लिए भी हेतु होती है। जहाँ पे हमको निर्विशेष का बोध कराना होता है वहाँ पे हम ऐसा बात को प्रयोग करते हैं अक्षरा पर तो परो सबाई अभ्यंतरो ही अजय जातो वाच निवर्तन तेज अथा तो आदर्श ने तीर इस प्रकार बात को निर्विशेष को बोध करें सविशेष के द्वारा शुरू करते हैं। फिर क्या बोलते हैं वाचारम मन विकार नाम वृत्ति का इत्यवसते इस प्रकार से निर्विशेष तत्व के बोध से जीव जो है जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। जागृत अवस्था में बैठ करके उसको बोध करना है, उसका प्रक्रिया धीरे धीरे करके बताएं कि स्थूल वस्तु को आप अगला 2 श्लोक के द्वारा वही दिखाना चाहते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा। जागृत काल में बैठा हुआ है आपको लगेगा कि मैं तो विश्व रूप में व्यवहार कर रहा हूँ, विश्व रूप में रह करके भी आप जो है प्राग्ञों में कैसे पहुँचेंगे उसको लेकर के एक थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन अलग अलग दिया हुआ है। टीकाकार जो है आज हम लोग तीसरा और चौथा ठीक है वहाँ शुरू होगा, तीसरा शुरू होगा। विश्वादीनाम त्रयाणाम त्रिधा देहि व्यवस्थितम प्रतिपाद्य विश्व तेजस और प्राज्ञ ये तीनों का इस शरीर में त्रिधा तीन प्रकार से इसी में विद्यमान है व्यवस्थित प्रतिपाद्य उसको प्रतिपादन करके तेषाम एव त्रिधा भोगम निगमयति उस विश्व तेजस और प्राज्ञ उन तीनों का तीन प्रकार का भोग होता है उसके यहाँ पे प्रतिपादन करके फिर गांव में उपसंहार के लिए यहाँ पे मतलब इसको दोबारा कथन करते हैं। अब श्लोक में देखिए विश्व ही स्थूल भूम नित्यम विश्व ही स्थूल भूम नित्यम तैजस प्रविभक्त भू तैजस प्रविभक्त भू आनंद भुक् तथा प्राज्ञ आनंद भुक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगम निबोधत त्रिधा भोगम निबोधत विश्व हि स्थूल भूम नित्यम तैजस प्रविभक्त भू आनंद भुक् तथा प्राज्ञ त्रिधा भोगम निबोधत। अब देखिए यहाँ पे सामान्य शब्द है परंतु यहाँ पे एक शब्द जो बोल दिया ना अंतिम में निबोधत मतलब क्या हो गया तुम समझो जानो ना इसको उपलब्धि करने का कोशिश करो ये निबोध हम तो जानते हैं जागृत काल में हम स्थूल भोग करते हैं
स्वप्न काल में हम मन से भोग करते हैं, सुषुप्ति काल में हम आनंद में रहते हैं, ये तो सभी व्यक्ति जानते हैं। फिर क्यों बोल रहे हैं निबोध? तो जागृत में बैठ के इसका अनुभव करो, ठीक है ना। ये जागृत में बैठ के इसका अनुभव करो, क्या अनुभव करो? विश्व स्थूल हो नित्य। कोई कोई व्यक्ति को देखना स्थूल वस्तु को लेकर ये खुश रहता है, सूक्ष्म दृष्टि नहीं होता उनको, स्थूल वस्तु को देख करके भोजन आया खाया तृप्त हो गया, पशु पशुओं को जैसा होता है स्थूल वस्तु के, उसमें से क्या तृप्ति क्या रस उस तत्संबंधित बोध उन लोगों को। कोई कोई व्यक्ति हर चीज मिला कर ही खाता, कोई बात नहीं, उसमें कोई असुविधा नहीं है, सामान्य व्यक्ति, किंतु अलग अलग चीज में जो रस जो तृप्ति वो क्या होता है वो उन लोगों को पता नहीं, केवल स्थूल दृष्टि संपन्न होता है, बाहरी जगत के लिए भी अंतर जगत के लिए भी। तो ये जो स्थूल दृष्टि संपन्न होता है मतलब क्या होता है, वो विश्व वहाँ पे जो आपका कि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन आपका दाहिने हाथ में बैठ करके सभी व्यवहार करता है स्थूल भोग में ही जिसको तो अच्छा लगता है। तो जागृत काल में जब हम बैठ के व्यवहार करते हैं कोई स्थूल वस्तु को लेकर के, ये हमारा विश्व उस समय व्यवहार कर रहा है, जागृत में बैठ करके हम समझ लें, परंतु वो उसमें उस भोग करते समय भोग का अंतिम परिणाम दो ही होता है, क्या होता है दो परिणाम, सुख अथवा दुख। ये सुख दुख कहाँ से आएगा, कौन वस्तु हमारे लिए सुखदायक है कौन वस्तु हमारे लिए दुखदायक है, वो कैसे निर्णय होता है, आपकी जन्मांतरी संस्कार और कुछ उसको इस जन्म में बढ़ाया कुछ घटाया हो सकता है, परंतु जन्मांतरी संस्कार। अब जो व्यक्ति इसको विचार करता है, इस वस्तु हमारे लिए सुखदायक क्यों है, इस वस्तु हमारे लिए दुखदायक क्यों है, किसने बोल दिया, क्यों अच्छा लग रहा है मेरे को, अब विचार करने लगते हैं। तो अब क्या स्थूल वस्तु को छोड़ दिया, स्थूल वस्तु को छोड़ करके ये जो हमको अच्छा है, अथवा और भी देखिए सूक्ष्म मतलब क्या है, स्थूल वस्तु को देख कर का आप घर बैठ के बेचारा जो है उसकी सुंदरता में चिंतन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये उसका तेजस स्थूल नहीं देख रहे, स्थूल बंद है, आँख बंद है, बैठ करके जो कहीं घूमने गया था उसका विचार कर रहे ये, और सेकेंड क्या स्थूल में बैठ करके ही ये अच्छा बुरा क्यों लग रहा है, और इसके पीछे कारण क्या है, ये विचार जब होता है वो सूक्ष्म दृष्टि उसका खोलता है, सूक्ष्म दृष्टि उसका खोलता है। अब ये तो प्रेमिक तो भूख में क्या होता है, देखिए सामान्य प्रविविक तो मतलब अलग करके है, अलग करके विचार करके अलग करके भोग करते हैं, जिस प्रकार देख मान लीजिए कोई हम लोग जैसे हम लोग हैं पहले होटल में भी खाते थे बाहर भी घूमते थे कुछ भी करते थे, जब इस मार्ग में आया तब क्या हुआ विचार के द्वारा, नहीं ये हमारे लिए पिक्चर देखना होटल में खाना ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है, खाना तभी भी खाते थे अभी भी खाते थे, पहले घर में भी खाते थे होटल में भी खाते थे, परंतु अब क्या हो गया केवल आश्रम का भोजन का प्रविविक भूख। ये विचार से ये किसको अलग करना है किसको रखना है, ये जिस दृष्टि से हम करते हैं उस समय आप सूक्ष्म भोग करते हैं, उस समय सूक्ष्म भोग करते हैं। थर्ड आनंद भोग क्या होता है, आपका अभिष्ट वस्तु आपको प्राप्त हुआ, जैसा हमारे इसमें दिखाया आनंदमय कोष में पहले मोद फिर प्रिय प्रियवृत्ति मोदवृत्ति आमदवृत्ति, कोई वस्तु अभिष्ट वस्तु को देखा हमने तो हमारे अंदर प्रिय वृत्ति उठ रहा है, फिर उससे देख करके प्रिय वृत्ति हमारा अनुकूल वस्तु आ रहा है, प्राप्त किया तो मोद वृत्ति, भोग किया तो प्रमोद वृत्ति, ठीक है। अब जो है इसने भोग किया, कहीं भी चाहे स्थूल भोग हो चाहे सूक्ष्म भोग हो, वस्तु नहीं है वस्तु चलेगा खाली आपने, और उसका रस जो आपने आस्वादन किया था वो भी आपने पानी पी के चला गया अंदर, मीठा हो खट्टा कुछ भी हो, परंतु फिर भी एक तृप्ति अंदर से रहता है, वो जो मतलब आनंद का जो एक भोग का सुख का जो एक भाग आपको तो अनुभव होता है, इसको खाया कितना अच्छा लगता है, ये जो है अतृप्ति तो इसके बाद रिजल्ट है, ये आपका आनंद भोग, ये है आनंद भोग। मतलब जिस समय में स्थूल वस्तु भी नहीं है सूक्ष्म वस्तु भी नहीं है, स्थूल रसगुल्ला था खाया अथवा पकौड़ी खाया, उसका सूक्ष्म भाग क्या है कि उसमें थोड़ा कड़ुआ लगा मीठा लगा वो भी नहीं है पाने, परंतु कुछ एक तृप्ति किसी भी भोग के बाद कुछ देर के लिए मन थोड़ा शांत होता है, और तृप्त दुख होगा तो हमें दुख होगा, परंतु आनंद अवस्था में किसी भी भोग के बाद हमारा भोग को उस तरह को मिल जाता है जो ही व्यस्त या बैठ कर उसको भोग करके कुछ देर के लिए मन दूसरा वस्तु को नहीं चाहता। ये जो एक भोग से दूसरा भोग में जाने के बीच में जो हमारी मनोवृत्ति है वो जो है प्रविविक या आनंद भोग। प्रविविक भोग तो मतलब क्या हो गया, वो सूक्ष्म साग आपका जीव तभी भी लगा हुआ है अथवा आँख में बैठा हुआ है, एक सुंदर बगीचा देखा, इस प्रकार हमने जब मुगल गार्डन देखा था पहले तो पेंजोर गार्डन
बचपन में देखा था, कई दिन तक हमारे सामने वो जो है बगीचे का फूल आ जाते हैं, चले वहां से। अच्छा अब क्या होता है ना, उसका है ना आत्मा, परंतु उस समय के जो आनंद है वो कभी कभी कितना खुश था ये आनंद, मतलब विषय स्थूल विषय भी नहीं है, ये जागृत में बैठ कर के अनुभव करना सीखे, तब आप क्या हो जाएगा, या विश्व विश्व में बैठ करके विश्व प्राग्ञति निबोधत, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, त्रिधा भोग निबोधत, जानते हैं मतलब क्या, एक जगह पे बैठ करके जागृत में बैठ करके तीन प्रकार के भोग, इसको तुम समझने का कोशिश करो, इसको तुम समझने का कोशिश करो, है ना। भाष्यकार तो कुछ नहीं लिखते, इसको भाष्यकार केवल लिखते उक्तार्थो श्लोको, तीन चार दोनों, मतलब इस श्लोक में जो कहा गया है मैं इसका पहले श्लोक में अच्छी तरह समझा दिया, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला उसको थोड़ा मन में विचार कर लिया, निष्कर्ष क्या निकला, कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका विश्व स्थूल भूख नित्यम तेजसम प्रविविक्त भूख, प्रविविक्त भूख मतलब अभी आपके पास विचार खुल गया, विचार दृष्टि खुल गया, क्या हमारे लिए हमारे जिसकी अनुकूल है तो क्या प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल वस्तु को अलग करना सीख गया आपने, और अनुकूल वस्तु में से जद्यपि वो वस्तु भी आपको पहले अच्छा लगता था, संस्कार है उसे अच्छा लगता था, परंतु आप जब आपने विचार दृष्टि खोला तो वो हमारे लिए इस जीवन के लिए पहले अच्छा लगने पर भी ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है, अलग करो उसे। ये विचार दृष्टि जब खोलते हैं तब आप सूक्ष्म विचार संपन्न होते हैं, सूक्ष्म विचार संपन्न होते हैं, वो सूक्ष्म विचार संपन्न, ये आपको जागृत में बैठ करके इस प्रकार जिस स्थूल भोग से अलग करके सूक्ष्म वस्तु भी बोलता है ये भोग करते हैं अब तो आपको अच्छा लगेगा, आपको सामान्य रूप में देखना कि जैसे आपने कोई ये चीज वस्तु अच्छा लग रहा था, अब अपनी पुरुषकार के तरह मेरा अच्छा लग रहा, अब मेरे मन मन उधर नहीं जाता, यस प्रसादन मन हम तृप्त आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका संबंधित तृप्ति सूक्ष्म तृप्ति, इसलिए आप बोलते हैं विश्व ही स्थूल रूप नित्यम, विश्व क्या होता है केवल स्थूल वस्तु का विषय सामने है, मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार अथवा जो भी कोई आपको अच्छा लगता है वो सामने है, उसको जो भोग होता है वो हो गया आपका स्थूल भोग, पर वो वस्तु नहीं है, वो भोग का जो संस्कार उस समय भी संस्कार कम कर रहा था, केवल संस्कार से जो आप आनंद ले रहे हैं वो होगा सूक्ष्म भोग, अब भोग समाप्त होने के बाद स्थूल भोग भी समाप्त हो गया सूक्ष्म भोग भी समाप्त हो गया, उसके पीछे जो आपकी जो भोग है एक आनंद की भाव रहता है वो हो गया आपका प्राग, हो गया आनंद भोग तथा भोग त्रिधा भोगम निबोध है ना। आप आगे इसी को समझाने के लिए बोलते हैं स्थूलं तर्पयते विश्वं, स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसं, प्रविविक्तं तु तैजसं आनन्दस्य तथा प्राज्ञम्, आनन्दस्य तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत, त्रिधा तृप्तिं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसं आनन्दस्य तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत। अब ये सूक्ष्म चीज को आप समझने का कोशिश करिए कि भोग के बाद एक तृप्ति का फीलिंग क्या होता है, आप जब खाना खाते हैं आपने अब खाना खाया, खाना खाते खाते जब पेट भर के हमारा तृप्त हो गया अपने जी, अब ये जो आपको भोजन के समय की आनंद और भोजन के बाद जो फीलिंग, इन दोनों के डिफरेंस को आप थोड़ा मन से समझने का कोशिश करिए। यहाँ भी बोल रहे निबोधक, हमारे अनुकूल भोजन से स्थूलम तर्पयते विश्वम, स्थूल वस्तु विश्व को यहाँ पे स्थूलम तर्पयते विश्वम, इसमें एक नॉमिनेटिव है एक एक्यूजेटिव है, दोनों न्यूट्रल जेंडर है। अब विश्व तो कहीं कहीं इसमें भी प्रयोग होता है, विश्व तो मस्कुलिन में प्रयोग होता है, स्थूलम तर्पयते विश्वम, स्थूलम हो गया नॉमिनेटिव सिंगुलर, स्थूल वस्तु विश्व को तृप्त करता है, ठीक है ना, विश्व तो आपका नॉमिनेटिव मस्कुलिन में है ना, इसलिए इसका स्पष्ट समझ में आता है। और प्रविविक्तम तु तैजसम, ऊपर देखो विश्व तैजस, ठीक है ना, यहाँ पे तैजस मतलब उसको कौन तृप्त करता है, प्रविविक्तम, जब आप मतलब वैराग्य के अथवा विवेक और वैराग्य के द्वारा आप अपने मतलब अवांछित वस्तु को अलग करके अपने में रह सकते हैं, वो आपका सूक्ष्म भोग है। उसको मैं साधन का अनुकूल लेकर के बोलते व्यवहारिक जीवन अलग रहने दो, वहाँ साधन के साथ हमारी लिप क्या है कि जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र जानते हैं, शास्त्र समझते हैं, तो हमको बिल्कुल अभी हमको किसको अलग करना चाहिए,
कैसे अलग करना चाहिए, उनको संस्कार है जन्मांतर ही, वो धीरे 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 विवेक पूर्वक अलग होता रहे और फिर भी हमारे अंदर की अलग दुख नहीं, हमारे अंदर वो भोग की तृप्ति मतलब अलग करने का एक वैराग्य का भी आनंद होता है, वैराग्य का भी एक अनोखा आनंद होता है। कोई व्यक्ति भोग के द्वारा जीता है खुश उपभोग करता है, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ कर आनंद ले रहा है, कुछ भी नहीं है उनके पास पर इस प्रकार से ये सूक्ष्म हो गया उनके पास और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म भोग से स्वरूप भोग में स्वरूप आनंद में चला जाता है। इसलिए बोलते हैं सुलभ तर्पयते विश्व, विश्व को स्थूल वस्तु, विश्व को विश्व मतलब क्या हो गया, स्थूल शरीर अभिमानी चेतन जो डाइन आंख में बैठ करके व्यवहार करता देखता रहता है, व्यवहार करता रहता है। ओ प्रविवेक्तम तु तेजसम, इस समय आपका मन संस्कार पे आधारित है, जिस समय आपका मन संस्कार पे आधारित उस समय सूक्ष्म वस्तु आपको तृप्त करते हैं। तेजस क्या है, तेजस मतलब मन, मन की वृत्ति को आधार पर आप देखते हैं ना, जो जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी चेतन व्यस्त सूक्ष्म बड़ी चेतन मतलब उसे प्राधान्यता मन की है स्वप्न अवस्था में, यानी कि केवल मंत्र मन मन के संस्कार को देख करके आप उसे आनंद दे, धीरे धीरे विषय भी छोड़ दीजिए। अब क्या हो गया कि आप जो व्यवहार कर रहे हैं स्थूल में उसकी व्यवहार क्यों हो रहा है विचार करते हैं और जो प्रतिकूल व्यवहार हमारे उसको छोड़ दीजिए और अनुकूल व्यवहार के पीछे जो संस्कार है उसको ध्यान दीजिए और उसको बढ़ाते रहिए, तभी तो चित्त शुद्ध होगी। चित्त में जन्मांतर से विषय चिंतन का एक धारा लगा हुआ है, अब हम चित्त शुद्धि में लगे हुए हैं, किस करेंगे आप वो सूक्ष्म वस्तु भगवत चिंतन मार्ग वस्तु हटा करके ईश्वर चिंतन शास्त्र चिंतन आत्मचिंतन में मन को धीरे धीरे लगाएंगे, संस्कार को बदलेंगे। यदि इसको देखना सीखेंगे ना निबोध तो आप प्रविवेक्त हो जाएंगे और वो आपको तृप्त देगा, उससे आपके अंदर से एक आनंद रहता है तृप्ति रहता है कि देखो अवांछित वस्तु धीरे धीरे अपने से अलग हो रहा है। थर्ड हो गया आनंद से तथा प्राज्ञम, आनंद क्या होता है प्राज्ञ को तृप्त करता है, प्राज्ञ मतलब अज्ञानुपहित व्यष्टि अज्ञानुपहित चेतन अविद्योपहित चेतन है ना, तो जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता हमको, क्या ये कुछ नहीं समझ में आता है ये कुछ विषय मतलब इंद्र नहीं है स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य तो नहीं है, फिर भी बैठ कर उसको आनंद हो रहा है, मतलब क्या है अपने में इसकी स्वरूप आनंद होता है, ये हम सुषुप्ति प्रमाण है। सुषुप्ति प्रमाण क्या है कि इस जागृत स्वप्न में जो भी कुछ हमने देखा वो नहीं रहने पर हम उठ करके बोलते हैं कि हम आनंद से सोया था, यानी कि जागृत में भी ऐसा ही होगा कि जब हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपने को अलग कर ले पाएंगे तब आपको एक अद्भुत अनोखा आनंद है। तो इसको तृप्त कर रहे हैं जब तक विषय मतलब आनंद आपको समझ में आएगा, विषय रूप में समझ में आएगा, इसलिए कोश है तो कोश है, परंतु उससे तृप्त कौन होता है प्राज्ञ तृप्त होता है, उस समय जो चेतन तृप्त हो रहा है वो प्राज्ञ है, मतलब एक ही चेतन स्थूल वस्तु को लेकर के एक प्रकार के आनंद हो सूक्ष्म को लेकर के आनंद दोनों छोड़ करके एक आनंद अपने में एक आनंद, ये त्रिधा तृप्ति निबोधत दोनों जगह पे मानव को कार्य का दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड निबोधत है ना, ये भगवान मतलब क्या है, ये जो भगवान भाष्यकार का व्याख्यान पहले कर करके आया उसको आप अपने आप जागृत में बैठ करके समझने का कोशिश कर, समझने का कोशिश कर, इस बोलते निबोधत ठीक है। आप देखिए इसके ऊपर भाष्यकार ने केवल बोल दिया उक्तार्थो श्लोको, दोनों श्लोक में जो अर्थ छुपा हुआ है वो मैंने पहले दूसरे नंबर में इसको थोड़ा संक्षेप में बोल कर गाया है ना, यही चीज यहाँ पे मांडू को कारिका का विशेष कारिका में विशेष दिखाया, क्या दिखाया ये आपको श्रुति ने नहीं कहा कि इसको समझने का कोशिश करो, कारिकाकार बोल रहे हैं कि बस इसी को समझने का कोशिश करो, कैसे जागृत सपने में व्यवहार कैसे हो रहा है, संस्कार कैसे स्थूल वस्तु को ढकेलते हैं, संस्कार कैसे अपने को अंदर लाते हैं, इसको समझने का कोशिश करो, संस्कार तो बाहर ढकेलते हैं, संस्कार अच्छा संस्कार को अंदर लाता है, देखने की इच्छा नहीं होता, इसको समझने का कोशिश करो। ये अभी देखिए यहाँ पे टीकाकार बोल रहे हैं, पहला वाला तो मैंने पढ़ लिया, तीन नंबर भोग प्रयुक्तान तृप्ति मधुना चिंता विभाजित, भोग किया आपने और भोग के पीछे जो वस्तु आप अनुभव करते होते तृप्ति, स्थूल वस्तु में तो आपको समझ में अनंत समझ में आता है। देखिए इस प्रकार सेंट लगाते हैं हम, सेंट लगाते हैं, सेंट का सामान्य पहले तो लगाया आपने एक लिक्विड जैसा दिएगा स्थूल वो आपको तृप्त किया, अब सेंट नहीं है चला गया और दो तीन दिन पहले फिर भी आपको खुशबू एक आ रहा है, एक खुशबू आता है और वो आपको तृप्त कर रहे हैं, वो सूक्ष्म हो गया। अब क्या है अब उस नाक में नहीं है परंतु एक जो है उस तृप्ति की मतलब उस आनंद जो आपको हुआ था आनंद के पीछे जो बैठा हुआ है एक तृप्ति, अच्छा कितना मधुर सुगंध था। कभी कभी ऐसा ही
तो साधन करते करते लगेगा सुगंधि मिल रहा, कुछ भी नहीं अधूप आप कुछ नहीं जला रहे, ऐसा होता है। फिर अथवा अच्छा एक बहुत सुंदर दर्शन होता है, दर्शन दर्शनीय वस्तु चला गया, जैसे कभी कभी भगवान कोई रूप आदि दर्शन करते हैं तो उसके एक आनंद व्यक्त हो रहे हैं। इस प्रकार की चीज को उस समय उस आनंद को भी ध्यान न दो, किसको ये आनंद हो रहा है, कौन इसको जान रहा है, उसको ध्यान दो, तब आप स्वरूप में पहुंच जाएंगे। शास्त्र हमारा सामान्य व्यवहार क्या होता है, कैसे ये आनंद हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, परंतु शास्त्र क्या बोलता है, कौन इस आनंद का भोग कर उसको देखो, विश्व तेजस प्राप्त उसको देखने का कोशिश करो, बस इतना ही यहाँ पे विशेष कह दिया, इतना विशेष कह दिया यहाँ पे। भोग प्रयोगता तृप्तिम अधुना त्रिधा विभजते स्थूलमित स्थूलम तो विश्व उदाहरित श्लोकयोर व्याख्या अनपेक्षाम व्याख्यान अपेक्षाम वारयति। उदाहरित श्लोकयोर जो दोनों श्लोक के यहाँ पे कथन किया गया उसका व्याख्यान अपेक्षाम वारयति, उसको व्याख्या करने की अपेक्षा को निषेध करता है भगवान वाक्य, क्या बोलता है उत्तर दो श्लोक उसको अलग करके फिर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगा। ये दोनों श्लोक कोई टीका टिप्पणी और कुछ नहीं है। अब जो है एक और बहुत सुंदर चीज जो है बताएंगे हम, इस प्रकार के जानने का जो अवंतर फल क्या होता है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप इस प्रकार देखने का अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य फल तो मुक्ति है, अवंतर फल क्या होगा, अवंतर फल क्या होगा, कोई भी भोग को वस्तु आपके पास पड़े रहने पर भी आप उसके तरह नहीं पाएगा, नहीं उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होगा, ये अवंतर फल। जैसे जैसे क्यों दृश्य के द्वारा दृष्टा कभी भी ये नहीं होता, विचलित नहीं होता, दृश्य जिसने अलग करके सीख गया वो फिर जो है फिर उससे द्वारा विचलित नहीं होता। इसको लेकर के बोलते हैं पांच नंबर को पढ़ेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार दोनों प्रकृत भोक्तृ भोग्य पदार्थ द्वय, दो पदार्थ हो गया आपके पास अभी, एक हो गया भोक्तृ मतलब भोग करने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको पहले लाया, जानने वाला कौन है उसको देख और किसको जान रहा है, हाँ भोग्य भोक्तृ भोग्य ठीक है ना, भोग करने वाला जानने वाला और जानने योग्य वस्तु भोग्य वस्तु, ये प्रकृतम भक्ति भोग्य पदार्थ द्वय, दो पदार्थ हुआ ठीक है ना, परंतु दोनों ही पदार्थ एक मुझ में आश्रित है, एक मैं ही मतलब भोग्य वस्तु को भी मैं अभी प्रकाशित कर रहा हूँ और यहाँ पे जो विश्व तेजस अपराध हुए तीनों को भी तुरीय रूप में मैं उसको भी प्रकाशित कर रहा हूँ, ये चीज यहाँ पे विशेष करके कहना चाहते हैं। इस श्लोक में ये विश्व का दिखाना चाहते हैं, समझना है क्या, पहले बोल के आया कि विश्व स्थूल विश्व भोग करते हैं तृप्त करते बोल दिया, अब क्या है ये जो भोग को भुक्ति विभाजन दिखाई पड़ते हैं वो एक ही अधिष्ठान के द्वारा प्रकाश होता है। इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति को क्या होता है, भोग को वस्तु पड़ा रहने पर भी उसके प्रति कभी लिपायबा नहीं होता, उसके द्वारा आसक्त नहीं होता, इसका अवंतर फल को कहेंगे। जिसको बोलते हैं यहाँ पे प्रकृत भोक्तृ भोग्य पदार्थ द्वय परिज्ञानस्य, है ना, यहाँ प्रकृत जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है, एक हो गया विश्व और उसका भोग हो गया स्थूल वस्तु, एक हो गया तेजस उसका भोग हो गया प्रयुक्त भोग, और एक हो गया प्राज्ञ उसका भोग हो गया आनंद। तो इस प्रकार से भोग और भोक्ता भोक्तृ भोग्य पदार्थ द्वय, दो पदार्थ हो गया आपके पास, एक हो गया भोग करने वाला एक हो गया भोग वस्तु, परिज्ञानस्य ये दोनों का ज्ञान, अबान इस ज्ञान का क्या फल है, इस ज्ञान का अवान्तर फल माह, मतलब इस ज्ञान का मुख्य फल तो आपका अनुभव हो जाएगा तो मुक्ति है, अवान्तर आपको मतलब जीते जी आपको क्या लाभ मिलेगा, है ना, ये कहने। तो श्लोक में आ जाइए त्रिशु धाम सुजद भोज्यम, त्रिशु धाम सुजद भोज्यम भोक्तायश्च प्रकीर्तितः, भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदैतदुभयं यस्तु, वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते, स भुञ्जानो न लिप्यते त्रिषु धामसु यद् भोज्यम् भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। तीन धाम है, पहले आप इसको थोड़ा सा ऊपर से श्लोक करते समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक व्यक्ति का, आपने कभी किसी होटल में किया, आप एक टेबल पे बैठे हैं तो
आपको जब किसी वेटर को ऑर्डर देंगे वो थोड़ी देर समय लेगा क्योंकि पहले से किसी को ऑर्डर ले रखा, तो आप तब तक देख रहे हैं अगर तीन जगह में बैठ करके तीन व्यक्ति, एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, एक व्यक्ति कॉफ़ी पी रहा है और एक व्यक्ति मान लीजिए मसाला डोसा आदि कुछ खा रहा है, इससे आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, आपकी तृप्ति होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? आप तीन अलग अलग, तीन धाम मतलब तीन अलग अलग टेबल में तीन अलग अलग व्यक्ति को आप देख रहे हैं, परंतु इससे आपका कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है तो पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका पेट भी नहीं भरेगा, ठीक है ना। ऐसा मानो तब अगर त्रिशु धामेशु तीन अलग अलग टेबल जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिशु धामेशु मतलब जब भोज्य भोज्य वस्तु का एक स्थूल एक सूक्ष्म और एक सूक्ष्मतम आनंद, एक मसला दोसा स्थूल वस्तु का आ रहा है और एक जो कॉफी आ रही है उसमें और एक रेडीमेड आ रहा है, ये तीन अलग अलग भोग वस्तु को देखने वाला व्यक्ति जो त्रिशु धामेशु जब भोज्य अभी भोज्य वस्तु और तीन व्यक्ति अलग खाने वाला, तीनों को खाने वाला अलग अलग व्यक्ति है। मैं दृष्टांत से दृष्टांत में भिन्न तक बताऊंगा, मैं तीन अलग अलग व्यक्ति है, विश्व एक तेजस एक अपराधी, ठीक है ना। भोक्ता दृष्ट प्रकृति को जिसके बारे में यहाँ पे कथन किया गया है, इन दोनों को एतद् उभयम् यह वेदः, इन दोनों को जो जानता है बिना मतलब अनुभव कर लेता है, सब हम जान वो भोग वस्तु के साथ रहते हुए भी न लिप्यते, वो भोग वस्तु के द्वारा ले पायावान नहीं होता। अब दृष्टांत में मैंने तीन अलग अलग वस्तु व्यक्ति और उसका वस्तु को कहा और यहाँ पे देखने वाला व्यक्ति भी अलग था, दिखा, परंतु दृष्टांत में ऐसा नहीं। दृष्टांत में क्या है, एक ही शुद्ध चेतन विश्व तेजस प्राज्ञ रूप में, अब वहीं पे बैठ करके आप चिंतन करिए, इसके अंदर भी जो व्यक्ति जिसके रहने के कारण ये तृप्त हो रहा है, जो चेतन तत्व रहने के कारण ये स्थूल वस्तु ये सूक्ष्म वस्तु अथवा और आनंद को भोग कर रहा है, वही चेतन यहाँ बैठ करके वो देख रहा है। केवल इतना ही नहीं, भोग देख रहे वक्त नहीं, वो जो जिस चाय हो कॉफी हो अथवा जो मसाला डोसा हो उसका प्रकाशक भी मैं ही हूँ। बस आपका हो जाएगा भोग को वस्तु की तरह ले पाए, मैं उसका प्रकाशक हूँ, मैं प्रकाश, ये सारा प्रकाश है, वो विश्व तेजस प्राग भी प्रकाश है और उसका भोग को वस्तु स्थूल सूक्ष्म आनंद वो भी प्रकाश हो गया और मैं प्रकाशक हूँ, इसके द्वारा मैं ले पाया मैं। कितना अच्छा, देखिए ये चीज काली उपनिषद में नहीं है, ये कालिका का विशेष देख सुधा भी, आप कैसे मतलब जागृत में बैठ करके आप कैसे अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, कितना प्रयास किया हमारे शेष योगों ने किया। बोलते हैं त्रिशु धामसु जद भोज्यम, तीन धामों में, तीन धाम क्या हो गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, भोज्य वस्तु क्या हो गया, स्थूल सूक्ष्म और आनंद, भोक्ता कौन हो गया, विश्व तेजस और प्राज्ञ, दृष्ट प्रकृति जिसके बारे में यहाँ पे कथन कर दिया गया। एतद् उभयम् जस्तु वेद, इन दोनों को ये भोज्य और भोक्ता को देखिए, भोक्ता को भी देख रहा है भोज्य को भी देख रहा है, यानी कि देखने वाला भोज्य भोक्ता दोनों नहीं है हमारे, इसलिए क्या हो जाएगा, शुद्ध आत्मा में ना भोज्यत्व है ना भोक्तृत्व। इसलिए मैं पहले वो दृष्टांत दिया कि व्यक्ति बिल्कुल अलग है, मैं दृष्टांत में क्या है, सभी के अंदर शुद्ध एक चेतन व्यक्त माना है, वही सबका प्रकाशक है, उसको समझना है। बोलेंगे दोनों प्रकार से यहाँ पे बोलेंगे, त्रिशु धामसु जागृत आदिशु, ठीक है, जागृत भोक्ता जस्य प्रकृतिता एतद् उभयम् जस्तु वेद सब भुंजान, वो जो है वो भोग करने वाला भोगते हुए भी क्या होता है, न लिप्यते, भोग के द्वारा लेपायमान नहीं होता, भोग करते हुए भोग वस्तु के संबंध में उसका कोई उसके उसका संबंध नहीं होता, इसको यहाँ पे श्लोक अर्थ होगा, सब भुंजान न लिप्यते। तो भगवान भास्कर त्रिशु धामसु भाष्य में है ना, तीन धामों में है ना, जैसा हम लोग चार धाम, यहाँ पे तीन धाम नहीं, क्योंकि चौथा धाम जो है वो सभी धाम का अधिष्ठान है, इसलिए अभी चार धाम में तो हम लोग रहते हैं, चार धाम के एक धाम में तो हम लोग रहते हैं, तो ये धाम जो है ये तीन धाम को प्रकाशित करने वाला चौथा धाम सबके अंदर अनुष्ठित है। यहाँ पे त्रिशु धामसु तीनों धामों में वो कौन है, जागृत आदिशु है ना, जागृत शब्द ही तीन धाम जिस अवस्था के अंदर सब विचार मतलब गुजरते हैं, स्थूल प्रविव्यक्त आनंदात्म भोज्य, ठीक है ना, ये देखना,
एक जगह पे स्थूल भोग को वस्तु है, एक जगह पे विवेक पूर्वक सूक्ष्म वस्तु को देख का आनंद होता है, एक जगह पे दोनों के बाद में जो चीज एक मन की अनुभूति होती है उस आनंद को। अब क्यों? क्योंकि आप जागृत अवस्था में बैठ करके उसको अनुभव कर रहे हैं अपने सुषुप्ति में नहीं। भोज्यम एकम त्रिधा भूतम, देखिए सभी में एक चीज देखिए, जिस प्रकार एक बड़ा घट हो एक छोटा घट हो, उस घट में घटक तो धर्म तो एक ही होगा, एक घटक धर्म एक ही होगा, है ना। चाहे हम किसी भी प्रकार के, मैं सन्यासी हूँ, आप ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, सभी में मनुष्यत्व धर्म एक हो, है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे चाहे स्थूल वस्तु हो चाहे सूक्ष्म वस्तु हो चाहे आनंद रूप हो, भोज्यत्व धर्म, भोज्यत्व धर्म सब में एक हो, भोज्यत्व धर्म उसमें एक होगा। इसलिए आप बोलते हैं त्रिषु धामसु जाग्रता दिशु स्थूल प्रविविक्त आनंदाप्य भोज्यम एकम त्रिधा भूतम। एक ही भोग वस्तु है। अब देखिए मैं क्या बोला, एक ही भोग वस्तु स्थूल वस्तु का आपने देखा हिमालय को, लोग घूमने आते हैं यहाँ पर, घूमने आते हैं, स्थूल वस्तु को देखा, यहाँ से वापस चले गए, स्थूल वस्तु नहीं है परंतु उसी हिमालय का जो उसका मन में सामने आता उसको देख कर आनंद ले जाता समझता है। फिर यहाँ पे जो आनंद को अनुभव किया था उसको रिमाइंड करता है। तो एक ही वस्तु, एक ही वस्तु तीन रूप, एक ही स्थूल हिमालय आपका तीन रूप में आपका आनंद दे रहा है, ठीक है ना। एक ही वस्तु आपको तीन रूप में आनंद दे रहा है। जैसे जैसे आपको सूक्ष्म वस्तु पकड़ने का देखने का सामर्थ्य आ जाएगा ना, आपको पता रहेगा। इसलिए बोलते हैं वो इसी को निबोध रहता है, बोल के आया था ये भोज्यम एकम त्रिधा भूतम। एक ही भोग को वस्तु है ना, परंतु तीन प्रकार से आपका आनंद दे रहा है। एक ही भोग को वस्तु जश्च विश्व तेजस प्राज्ञाकम, और जो विश्व तेजस प्राज्ञ नाम से कहा गया वो कौन है, भोक्ता। भोग को हो गया आपका स्थूल प्रविविक्त आनंद, ये हो गया भोज्य भोग को वस्तु, और भोक्ता कौन होगा, विश्व तेजस प्राज्ञ, इसको होगा। और वो भी एक है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति तीन अलग अलग टेबल में बैठ करके खाए, जागृत में सपने में सुषुप्त में, एक ही व्यक्ति है, और वही व्यक्ति उसको देख भी रहा है, इस तीनों को छोड़ करके देख ये तुरियो में ले जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं जस विश्व तेजस प्राज्ञा को भोक्ता एक, अब वो एक है, अब वो कौन है, मैं ही हूं, जो मैं आज से 5 साल पहले हिमालय घूमने गया था वही मैं आज हमारे सामने अभी भी केदारनाथ की वो दृश्य हंस आए, अभी मैं बैठ करके अभी उसका आनंद ले रहा हूँ। तो जो स्थूल वस्तु को देखा था वही सूक्ष्म आनंद ले रहा है और उसको तृप्ति का अनुभव कर रहा है, वो कौन है, एक मेरा सभी में अनुसूत है ना, विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों में मैं अनुसूत हूँ, परंतु तीनों को अलग करके देख रहा हूँ मैं, इससे इससे भिन्न भी हूँ। इसीलिए बोलते हैं सो अहम, वो मैं ही हूँ, इति एकत्वेन प्रतिसंधानात्, ये प्रतिसंधान है कि वही मैं जो मैं वहां गया था वही मैं अब इस समय उसको देख रहा हूँ और उसका सूक्ष्म आनंद में ले रहा, इसके ऊपर अपने आप होता है आपने प्रतिसंधान। कि कोई व्यक्ति बोलता है कलकत्ता गया था रसगुल्ला खाया, अभी भी मैं उसको साथ को भूल नहीं सकता, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ना रसगुल्ला है ना साथ युवा में, फिर भी नहीं भूलते उसको, तृप्ति देते हैं वो सूक्ष्म, वो सुख आनंद। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सो अहम इति का, तो जो मैं वही मैं हूँ, सो अहम इति एकत्वेन प्रतिसंधाना, सभी में वही मैं हूँ, इस प्रकार प्रतिसंधान होता है, प्रत्यभिज्ञा होता है। दृष्टित्व क्यों अविशेषा, देखिए आपको प्रत्यभिज्ञा कैसे हो रहा है कि मैं वहाँ पे घुसा हुआ ये बात नहीं है, मैं उसको देखा था, दृष्टा है वो दृश्य है, दृष्टित्वेन प्रत्यभिज्ञा। अब बाद में भोग को वस्तु में भी मैं ही हूँ, सूक्ष्म दृष्टि जब और खुलेगा तब क्या हो जाएगा, उस समय तो मैं दृष्टा रूप में, परंतु उस भोग को जिस भोग को वस्तु को मैं अनुभव किया था वहां भी मैं ही अनुसूत हूँ, तब मैं ही उसका प्रकाशक हूँ। इसीलिए हमें बोलते हैं जिस समय किसी वस्तु को चाहे कोई भी व्यक्ति देख रहा है, जिस वस्तु को मैं देख रहा हूँ उसका प्रकाशक तो मैं ही हूँ, है कि नहीं। बाकी और भी देख सकते हैं क्योंकि एक ही तो चेतन है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए क्या विचार है इस श्लोक में, जश्च विश्व तेजस प्राज्ञा को भोक्ता एक सो अहम, मैं ही हूँ, इति एकत्वेन प्रतिसंधाना, सभी में मैं ही अनुसूत हूँ। इस प्रकार से क्या है, दृष्टित्व अविशेषात् च, सभी में क्या बैठा हुआ है, ये जो विश्व तेजस प्राज्ञ क्या दृष्टा है, इसको मैं देख रहा हूँ, ये भी हमारे सामने दृश्य बन गया, मैं दृष्टि तीनों विशेष मैं तीनों को मैं देखता रहता हूँ,
दृष्टित्वेन अविशेषस्य प्रकीर्तितः, ऐसा वहां पे कहा गया है। जब वेद उभयम्, जब वेद एतत् उभयम्, जो व्यक्ति एतत्, ये सामने एतत् क्यों बोला, आपने शरीर के अंदर मतलब सन्निकृष्ट वस्तु है ना, एष एतत् इदम् नजदीक वस्तु, असो दूर का वस्तु, एतत् मतलब सन्निकृष्टतम वस्तु। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने सन्नि से एतत् उभय मतलब अपने शरीर के अंदर इसको तीन को देखना सीखता है, ठीक है ना। अब मैं बाहरी वस्तु को दृष्टम कर दिया था, अब यहाँ पे घटाना है, तभी तो तीनों आ जाएगा एक उसी में, मैं अनुश्रुत भोज्य भोक्ता सभी में। इसलिए बोलता है यह वेद एतत् उभयम्, जो व्यक्ति जो साधक मुमुक्षु साधक इन दोनों को जानते हैं मतलब अनुभव करते हैं, इस रूप में देखिए क्या बोल रहे हैं, एतत् उभयम् अर्थ करते हैं भोज्य भोक्तृतया अनेकथा भिन्नम् सभुञ्जान नारिप्यते। जो वेद मैं ही है ना, कि अहम रूप में देखा, मैं ही भोज्य और भोक्ता रूप में, मैं ही अनेक रूप में विद्युत भोग कर रहा हूँ, सभुञ्जान मैं ही अनेक प्रकार दिखाई दे रहा हूँ, सभुञ्जान इस प्रकार भोग करने वाला व्यक्ति भोग के द्वारा ले पायमान नहीं होता, भोग के द्वारा ले पायमान नहीं होता। एक नंबर टिप्पणी देखिए, इस तरह सुंदर समझते हैं, भोज्य भोक्तृतया अनेकथा भिन्न, भोज्य रूप में भी मैं हूँ, भोक्ता रूप में भी नहीं, इस प्रकार मैं ही अनेक रूप में माया के कारण दिखाई पड़ रहा हूँ, मतलब देखने वाला भी मैं हूँ, वो देखने वाला इस दृश्य के साथ संबंध नहीं है। इससे अपना व्यंग कथा भी समझ में आ जाएगा, अपनी असंगता भी समझ में आ जाएगा। आप देखिए एक नंबर टिप्पणी, भोज्य तेन रूपेण एकम अपि भोज्यम स्थूल प्रविविक्त आनंद तेन अनेकथा भिन्नम, ठीक है ना। विषयत्व धर्म सब में समान है, जिस प्रकार ये टिफिन डब्बा भी विषय है, बैग भी विषय है, तो विषयत्व धर्म दोनों में बैठे हुए भी दोनों विषय भी विषय है, एक क्या है विषयत्व धर्म। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे भोज्यत्व, भोज्यत्वेन रूपेण एकमपि, भोज्य रूप में एक है, आप कॉफी पीजिए चाहे कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, वो भोज्य रूप में तो एक ही है ना। अब क्या बोलते एकमपि भोज्यम, अब क्या हो गया स्थूल प्रविविक्त आनंदत्वेन, एक हो गया स्थूल वस्तु, एक हो गया प्रविविक्त मतलब सूक्ष्म वस्तु, और एक हो गया उसके पीछे जो तृप्ति आनंद। इसलिए बोलते हैं तीन प्रकार से वो आप आनंद को भी भोग करते हैं, स्थूल वस्तु को भी भोग करते हैं, सूक्ष्म वस्तु की भोग करते हैं, और दोनों को छोड़ करके उसके आनंद को भी आप आनंद लेते हैं, है ना। मुझे आनंद भी तो वहाँ पर जाकर कैसे, उसका भी हम कभी कभी बोलते हैं क्यों आनंद हुआ कैसे, कोई व्यक्ति आते हैं हिमालय यहाँ पे क्या है देखने के लिए, कोई कहीं पर कोई बिल्डिंग बन ताजमहल देखे तो क्या देख करके, ताजमहल देखे यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ करके यहाँ पे तो केवल सामान्य प्रकृति, परंतु जो जिसको हिमालय जिसको सूक्ष्म वस्तु जिसके समझ में आ जाता है कि हिमालय उत्तरकाशी क्या विशेषता है, एक तो हिमालय की एक देवतात्म भाव है, माँ गंगा है, और यहाँ पे ऋषि मुनियों का स्थान है, ये सूक्ष्म वस्तु धीरे धीरे जब पकड़ने आता है तब लगता है कि उत्तरकाशी क्या अथवा हिमालय की क्या महिमा है, ये आपका सूक्ष्म भोग है ना। और ये सूक्ष्म भोग के आनंद भी आप लेते हैं, क्योंकि आप क्या आनंद लेते हैं कभी, तो अरे भगवान ने इतना जो हमको यहाँ पे रहने का मौका दिया, ये एक आनंद की भी हमारे लिए खुशी की वस्तु बनती है। इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं कि भोज्यत्वेन रूपेण एकमपि भोज्यम स्थूल प्रविविक्त आनंदत्वेन अनेकथा भिन्नम, ठीक है ना। वो स्थूल प्रविविक्त आनंद रूप में अनेक होने पर भी भोज्यत्वेन एक है, भोज्यत्वेन एक है, ठीक उसी प्रकार भोक्तापि भोक्तृत्वेन, भोक्ता में क्या रहता था भोक्तृत्व, भोज्य में ना है भोज्यत्व, भोक्ता में भोक्तृत्व धर्म है, चाहे आप भोग करो चाहे मैं भोग करूँ चाहे ये भोग करे, भोक्तृत्व धर्म तो एक ही है, भोक्ता के अंदर जो बोध उत्पन्न होता है भोक्तृत्व, मैंने इसको भोगा संस्कार से, वो भोग धर्म एक ही है भोक्तृत्व, भोक्ता भी भोक्तृत्व न भोक्ता का भोग भोज्य विषय अलग हो कोई बात नहीं, भोक्तृत्व रूप धर्म थे एक एव विश्वादीना विश्व तेजसार प्राप्त अनेकथा, विश्व देना अनेकथा भिन्न, वो भी अनेक प्रकार से भिन्न हो जाता है, इति अर्थ पहले ये अर्थ हो गया, मतलब यद्यपि भोज्यत्व और भोक्तृत्व धर्म एक है परंतु भोज्य विषय अलग है और भोक्ता अलग है। आप देखना जो कि आपको सूक्ष्म जो चाय पीना अच्छा लगता है, छोटे बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा लगते हैं, अब दोनों को चेहरा को थोड़ा मार्क करो, आपको पता लगेगा कि दोनों के अंदर जिसको चाय पी पर अच्छा लगता है उसका तो संस्कार है, उसका चाय की तृप्ति वो आनंद और बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स का आनंद,
यानी कि दोनों में भोक्तृत्व की आनंद एक ही है, भोज्य वस्तु अलग होने पर भी भोक्तृत्व की आनंद एक है। भोज्यत्व दोनों में, यदि दोनों में भोज्यत्व नहीं रहता तो यहाँ पर भोक्तृत्व कहाँ से आता, मतलब उसका तृप्ति कहाँ से होती। वो भोज्यत्व मतलब भोग को वस्तु का भोग करने से, भोग को वस्तु को भोग करने से हमारे अंदर जो तृप्ति है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तृप्ति होती है। किसी को शराब पीने से आनंद लगता है, किसी को मिठाई खाने से आनंद लगता है, किसी को सामान्य खाना से तृप्ति होता है। इस प्रकार से ये ध्यान रखना यहाँ पे कि भोज्यत्व न रूपे भोज्यत्व न रूपेण एकमपि भोज्यम स्थूल प्रविविक्त आनंदत्वेन अनेकता भिन्नम भोक्ता अपि भोक्तृत्वेन तेन एक एव विश्वादीन अनेकदा भिन्नम इति अर्थ। एतद् उभयम् ज वेद, इन दोनों को जो जानता है, भोक्ता ही एक एव सर्वत्र चेतन शेषी, भोक्ता एक ही है समस्त शरीर में, एक चेतन तत्व ही भोक्ता होता है। शेषी और शेष है ना, शेषी मतलब होता है अनेक मिल करके जो बनता है, जिसको अवयवी जिसको बोलते हैं शेषी, और ये हो गया शेष उसका अंग, अंगी और अंग अवय अवय शेष, इस प्रकार प्रयोग होता है शेषी। भोज्यम च सर्वम एकमेव, और जो भोज्य भी है वो भी एक है, तत् शेष भूतम उसका अंग रूप में, भोज्य भी भोज्यत्व धर्म रूप में एक है और भोक्तित्व धर्म भोक्ता भी एक ही है। सभी के अंदर एक चीज, भोक्ता हमेशा चेतन होगा और भोज्य हमेशा जड़ होगा, भोक्ता हमेशा व्यापक होगा, भोज्य हमेशा परिच्छिन्न उत्पत्ति विनाशी। इस प्रकार से चेतन तत्व आते ही आपको धीरे धीरे ये भोक्तृत्व में जब आप, क्योंकि भोक्त चेतन के बिना भोक्तृत्व संभव नहीं है, भोज्य तो जड़ होगा, भोक्ता चेतन, चेतन में परिच्छिन्नता नहीं होगा, प्रतीति होती है परिच्छिन्नता की, चेतन में परिच्छिन्नता नहीं होती, उत्पत्ति विनाश नहीं है चेतन की, जड़ की उत्पत्ति विनाश है, चेतन की उत्पत्ति विनाश नहीं है। इस प्रकार से अपने आप धीरे धीरे अपने वो जो इस प्रकार से भोक्ता, क्योंकि मैं तीनों का प्रकाशक होते हुए भी वहाँ पे जो है उससे अलग हूँ, इन दो जो प्रकाशक रूपी जो प्रकाशत्व रूपी धर्म जिसमें है वो इन दोनों को जो जानते हैं, मतलब भोज्य भोज्य और भोक्ता को जानते हैं, उसके द्वारा उन्हें पायमान नहीं होते। इसलिए हमें बोलते हैं भोज्यम च सर्वम एकमेव तत्शेष भूतम इति एवं 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 रूपेण निश्चिनोति, इस रूप से जो वहाँ पे एवं होना चाहिए, भोज्यम च सर्वम एकम एव तत्शेष भूतम इति एव रूपेण, आपको तो बिंदी नहीं हो किसी पुस्तक में, अलग है लगा है वहाँ पे ये टिप्पणी में देखिए, तत्शेष भूतम इति एव रूपेण, इस रूप में ही निश्चिनोति, ठीक है। सभुंजानो मतलब वो भोग करते हुए भी मेध अमेध रूपम अपि, मतलब मेध मतलब भगवान के अर्पण करने योग्य और अमेध मतलब जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, यदि इसके रहते हुए भी मेधम अपि मतलब मेधम अमेध रूपम अपि भोज्यम क्वचित अभ्य व्यहरण, किसी समय किसी निमित्त से यदि उसका ग्रहण हो भी जाता है, व्यहरण अपि न तत्प्रयुक्त दोष भाग भवति, उसके द्वारा जो दोष होता है उस दोष के द्वारा ले पायमान नहीं, दोष के द्वारा ले पायमान नहीं होता। किस इसलिए बोलते हैं सभुंजानु अपि, मतलब उसको भोग करते हुए भी, मतलब क्या बोलते हैं मेध अमेध रूपम अपि भोज्य, जो भोज्य वस्तु भगवान के अर्पण करने योग्य अथवा हमारे ग्रहण योग्य हो अथवा ना हो, ग्रहण योग्य हो अथवा ना हो, ठीक है ना। इस प्रकार मान लीजिए कि आप जलाने की आहुति देते के लिए हम लोग घी दूध आदि आहुति देते हैं, अमेध्य है, और कभी अमेध्य भी दे देते हैं, मतलब जो नहीं है चल बता कब डाल देते हैं, परंतु अग्नि कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अग्नि जलाएगा जलाएगा नहीं जलाएगा पर रहेगा वो, मान लीजिए लोहे का टुकड़ा उसके साथ एक आग है, जलाएगा नहीं जलाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर रहेगा वो, इसी कारण उसका तरह लेपायमान नहीं होता। इसलिए मेध्य अमेध्य रूपम अपि भोज्यम क्वचित अभ्य व्यहरण अपि, किसी किसी समय यदि उसका ग्रहण हो भी जाता है अव्यवहरण अपि न तत्प्रयुक्त दोष विभाग, वो जो मेध अमध वस्तु को ग्रहण करने से जो दोष होता है उस दोष के द्वारा वो लेपायमान नहीं होता है, दोष विभाग भवती इति अर्थ। दृष्टांत क्या गया, बंधी इव मेध अमेध भू, मतलब जैसा आग में कोई व्यक्ति मांस भी डालते हैं और कोई व्यक्ति दूध घी भी डालते हैं, शास्त्र विधान भी सारा विधान के निमित्त जो लोग ऐसा खाना पहले जमाने में आग में थोड़ा सा जला लिया फिर खा लेते हैं उसको, ठीक है ना, आग में तो आहुति के रूप में वो तो नहीं देना चाहिए, परंतु इतना होते हुए भी अग्नि में कोई फर्क नहीं पड़ता,
है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे ओ तद स्वभुंजानो न लिप्यते। अब देखिए आगे उसको बोलते हैं भोज्य भोक्षित अनेक भिन्न स्वभुंजानो न लिप्यते। आप देखिए भाष्यकार इसका अभिप्राय क्या बोलते हैं, भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तुर भोज्यत्वा। यहाँ पे ध्यान देना, सर्वस्य भोज्यस्य जितना संसार में भोज्य वस्तु है, भोज्य वस्तु को भोग करने वाला कोई एक चेतन तत्व ही होगा, अचेतन भोग नहीं कर सकता, अचेतन तो भोज्य होता है। इसलिए बोलते हैं भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तुर। भोक्ता कितना है वहां पे, भोक्ता एक ही है। यहाँ पर तो समझ में आता, क्योंकि अपने आपको समझ में आता है जो मैं 5 साल पहले वहां जा करके देखा था वही मैं इस समय सूक्ष्म लेना, वही तो मैं हूँ। इसलिए एक ही भोक्ता है। इसलिए बोलते हैं भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य, एक ही भोक्तु, एकस्य भोक्तुर भोज्यत्वात्। एक ही भोक्ता जो है अलग अलग भोग वस्तु को भोग करता है, अलग अलग भोग वस्तु को भोग करता है, एक ही भोक्ता। अब क्या होता है, अब ये चीज मेन है जो यहाँ से मैं आज अब शुरू किया था। क्या शुरू किया था, जो वस्तु जिसका दृश्य बन जाता है वो दृश्य के द्वारा वो ले पायमान नहीं होता। दृश्य धर्म के द्वारा जो वस्तु जिसके सामने दृश्य बन जाता है, दृश्य धर्म के द्वारा वो ले पायमान नहीं होता। आपने देखा कि आकाश में बिजली की करकराहट चमक, बाज गिरा, आप उस बाज गिरने में मरे कि नहीं मरे, क्यों आपको दिखाई, इतने यहाँ पर स्पष्ट समझ में आता है। यदि आपको बिजली की चमकहट और आवाज सुनाई दिया गिरने के, यानी कि आप उसके द्वारा संश्लिष्ट नहीं है, क्योंकि आप उसको दिखाई तुरंत मर जाते, बिजली की चमक से आपको वहां पर लगता तो मर जाते आप। यदि आपको दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है वो आप दृष्ट के साथ उसका संबंध, इसलिए बोलते हैं नहीं जस जो विषय, जिसका जो विषय बनता है सर तेन, वो व्यक्ति और विषय के धर्म के द्वारा हियते वर्धते वा, उसका बढ़ना घटना नहीं होता, बढ़ना घटना नहीं होता, ठीक है ना। किसी व्यक्ति ने खाना खाया उस टेबल में बैठ करके मेरा पेट भरने वाला नहीं है, मेरा पेट भरने वाला है, इसी बनते। अब यहाँ पे भगवान भाष्य का सुनना ही, अग्नि स्वविषयम दग्ध्वा काष्ठ आदि तद्वत। जिस प्रकार अग्नि की अपनित्व धर्म, ठीक है ना, काष्ठ को जला करके, उपल को जला करके, तेल को जला करके, पेट्रोल खुद भी अपने जलाया, कि अग्नि की अपनित्व धर्म में अग्नित्व, अग्नि की मात्रा में प्रज्वलन में घी अधिक दिया तो थोड़ा अधिक बढ़ गया, मैं तो दाह्य क्षमता था ना, तो जो क्षमता है वो अग्नित्व ही है। इसलिए बोलते हैं उतना मात्रा में ग्रहणीय है यहाँ पर दृष्टांत। आप बोलेंगे नहीं नहीं अधिक लकड़ी देंगे तो अधिक जल जाएगा, अधिक जलेगा क्या, देखो फ्लेम अधिक दिखेगा आपको, परंतु अग्नि का जो जलन अग्नित्व रूप धर्म है वो बढ़ना घटने वाला नहीं है, ये अभिप्राय है। नहीं अग्नि स्वविषय दग्ध, अग्नि अपने विषय को जला करके बढ़ता घटता नहीं है, न ही अति बढ़ जाते स्विषय काष्ट दग्वत। यहाँ भी ऐसे ही समझना चाहिए, भाष्य से लगभग स्पष्ट है ना, श्लोक का अर्थ भाष्यकर स्पष्ट कर दिया, ठीक है। मैं देखिए पूर्वार्धम व्याचष्टे, पूर्वार्ध कौन सा है, त्रिशुधामेशु यद् भोज्यं भोक्ता दश्च प्रकीर्तितः। ये हो गया पूर्वार्ध, श्लोक की पूर्वार्ध। जाग्रतादिषु स्थूल प्रविक्त आनंदकं भोज्यम एकं त्रिधा भूतम्। एक ही भोज्य तीन प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। भोग देखिए यहाँ पर भाष्यकार वही होते हैं, भोग्यत्वेन एकत्वे अपि त्रैविध्यम् अवान्तर भेदात् उन्नेयम्। भोग्यत्व धर्म एक ही है, भोग्यत्व धर्म एक ही है, मतलब किसी को मैं बोल, किसी को चाय पीना अच्छा लगता है, किसी को मिर्च खाना अच्छा लगता है, किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है। अब देखिए मिर्च में और मीठा में भोग्यत्व धर्म एक ही बैठा हुआ है, विषय अलग होने पर भी किसको तृप्त करता है, ये अभिप्राय है, इतना मत हिस्सा ग्रहण करना है। इसलिए होता है भोग्यत्वेन एकत्वे अपि त्रैविध्यम, यदि तीन प्रकार का दिखाते हैं, अवान्तर भेदा, उसमें अवान्तर भेद है, एक जगह पर तूल एक जगह पर सूक्ष्म है ना। अब देखिए भोग्यत्व एक क्यों बोला, इसी हिमालय को हमने देखा था, अब हिमालय को मन से स्मरण कर रहा हूँ, अब उस मन के देखने समय जो आनंद उसको स्मरण कर रहा हूँ, तो क्या एक ही भोग्य वस्तु आपका आनंद दे रहे, इसलिए ये अवान्तर भेद है, ये अवान्तर भेद है। इसलिए बोलते हैं कि त्रैविध्यम अवान्तर भेदात् पुण्येयम्। ये हो गया भोग्य वस्तु का। अब भोक्तु एकत्वे मह, भोक्ता भी एक ही है, जो मैं 5 साल पहले वहाँ पे देखा था वही आज हमने यहाँ पे बैठ करके इसको देख रहा हूँ, कौन है वो, मैं ही हूँ, बुढ़ा हो गया 30 साल बीत गया फिर भी वही मैं हूँ,
वहां पे गया था, मैं देखा था, यही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं भोक्तुर एकत्ते हेतु महा, भोक्ता भी एक है, इसके पीछे हेतु क्या है? स्वहम इति एकत्तेन प्रतिसंधाना, ये हेतु है, वही मैं हूँ। इस प्रकार से प्रत्यभि क्या होती है? प्रतिसंधाना था, अनुसंधान के लिए पता कर लेते हैं। इसी को समझा रहे भगवान भाष्यकार किस पंक्ति का, सो अहम इति एकत्तेन, बोलते हैं जो अहम सुषुप्त सो अहम स्वप्न प्राप्त, जो मैं सोया हुआ आनंद ले रहा था वही मैं स्वप्न देखा था, फिर जस्ट स्वप्न अंतराक्षम जो स्वप्न देख रहा था सो अहम इदानीम जागरमी, वही मैं इस समय जगत के व्यवहार करते इति एकत्त प्रतिसंधीयते। इसी प्रकार अपने एकत्र को अपने आप हम अनुसंधान कर लेते हैं, प्रतिसंधीयते सो अहम, केवल एक जगह में नहीं, आप कितने साल के भी आप यही हैं। तो ये जो हमारा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में एक नहीं आता है, बाल्यादिषु अपि जाग्रतादिषु सर्वासु अवस्थासु व्यभिचासु अनुवर्तमान महाविति अंतस्फुरन्तम् सदा, ये सब अवस्था व्यापृत हो रहा है, परंतु वही मैं हूँ। आप अंदर से स्वात्मानं प्रकोटि, इस प्रकार से शुद्ध आत्मा अपने को प्रकट करता है। स्वात्मानं प्रकोटि का भी मुद्रया भद्रया, भद्र मुद्रा के द्वारा, क्या भद्र मुद्रा है? और व्यभिचारी मुद्रा है वो, क्या मैं अंदर से रहा हूँ, व्यभिचारी मुद्रा मैं वही मैं। इसलिए बोलते हैं स्वात्मानं प्रकोटि करते भजता पद किसके सामने, देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम सबसे, भजता भजन करने वाले का, जो उसके सेवन करते हैं, जो इस प्रकार जानने का कोशिश करते हैं, उसके सामने हमेशा शुद्ध हो जाए मैं वही दक्षिणामूर्ति, वही गुरुमूर्ति है। तस्मै श्री गुरु कहते हैं नाम एकदम से दक्षिणामूर्ति। इसके अंदर बोलते हैं कि जो अहम सुषुप्त सो अहम स्वप्न प्राप्त, जो मैं स्वयं हुआ था वही मैं स्वप्न देख रहा हूँ, जस्ट स्वप्न मात्र समझो स्वप्न देखा था, सो अहम इदानीं जागर वही मैं यहाँ पे जागृत का व्यवहार कर रहा हूँ, इति एकत्व प्रतिसंधीयते। इस प्रकार भोक्ता की एकत्व को अनुसंधान किया जाता है। न च तत्र बाधकम् अस्ति, अपने अनुभव से इसमें कोई इसका भी बाधक नहीं है, इसका भी मैं किसी ने देखा था और दूसरे ने याद कर रहे थे, कभी हो ही नहीं सकता, जो देखा वही याद कर सकते हैं। तब युक्तम भोक्तुर एकत्तम, इससे ये क्या सिद्ध होता है कि भोक्ता एक ही है, नान्यत्व अस्ति भोक्ता, इससे भिन्न करके दूसरा भी भोक्ता है, नान्यत्व अस्ति भोक्ता है ना। तब युक्तम भोक्तुर एकत्तम इति अर्थ किंच अज्ञानम तत्कार्यम च प्रति प्राज्ञादिषु दृष्टित्वस्य अविशिष्टत्वात् दृष्टि भेदे च प्रमाण अभावात् युक्तं तद् एकत्वम् इति आह दृष्टित्वेन। देखिए आपको जागृत काल में आपका भिन्न वस्तु दिखाई पड़ता है, अलग अलग व्यक्ति दिखाई, स्वप्न काल में भी अपना वसन का अनुसार पर देखता है, परंतु सुषुप्ति में जाओ इस समय उपाधि का छोड़ देते हैं, आप इस समय उपाधि का छोड़ देते हैं, उस समय सभी की एक ही अनुभूति, यानी कि सभी के अंदर दृष्टा एक ही है, केवल मात्र उपाधि के भिन्नता से दृष्टा में भिन्नता प्रतीत होते हैं। आप उपाधि को छोड़ते देखो दृष्टि एक तक सभी के क्यों नहीं एक ही है, क्यों? क्योंकि उपाधि से तात्मता छोड़ दिया। इसलिए हमें बोलते हैं किंच अज्ञानम तत् अत्यंत अज्ञानम तत् कार्यम च प्रति, उस अज्ञान और अज्ञान कार्य प्रति उसी कारण प्राज्ञादिषु दृष्टि तत्सविधे, जो प्राज्ञादि अवस्था में आपको क्या कहता है दृष्टित्व रूप धर्म, तीनों में समान है दृष्टित्व धर्म प्राज्ञादि दृष्टित्व अविशिष्टत्व समान होने का, दृष्टि भेदे च प्रमाण अभाव है ना, अलग अलग दृष्ट है इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो मैं देखा था वही मैं यहाँ पे इस दृष्टि में प्रमाण अभाव युक्तम तद एकत्तम एक ही दृष्ट है, ये कहना युक्त संगत है। उसके लिए आपने बोला कि दृष्टि दृष्टित्व समान प्रतिशत है, वेद होगा बोलना यहाँ पे कहाँ पे है शुभ, ये दृष्टित्व अविशेषाच प्रकृतित्व, समझ में आया प्रतीक कहाँ पे हर्ष में सेकेंड लाइन पे, हाँ राइट हैंड साइड में दृष्टित्व वहाँ पे बोले दृष्टित्व इति, ठीक है प्रकृतित्व यहीं पे रखते हैं, द्वितीय अर्थम विभाजते समय होगा यहाँ पे छोड़ते हैं। आज कौन सा बोलना पहले वाला है, फर्स्ट वाला बोलते हैं अजम अपि यदि योगं प्रापरैश्वर्य योगात् अवधिय च गतिमत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विशेषधर्मग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणतभय विहन्त्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि ॐ।